अरे यार रोशन आप पहले तो वहीं रुको। हाँ ये आ रहे हैं ताके सर महादेव के नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों के द्वारा। नरोत्तम जी सर पंसाब है। आए सभी आ रहे हैं, रुक गए। केदर का नजारा है शानदार। केदर देखो ये हमारे भाई आए भैया, ये बहुत ये दिनेश जी है हमारे। ये दिनेश जी क्या है कि फोटो वोटो का बहुत शौकीन है तो फोटो खींच रहे हैं। और ये देखो बहुत भयंकर वाला झरना गिर रहा है यहाँ से। ये इधर बहुत टापू है, बहुत पहाड़ी है। ये देखो सभी पहाड़ी से उतर रहे हैं। ये हमारे काका जी है। उतर रहे हैं ये इधर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत शानदार मंदिर भी है। ये पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तो आता है ना मंदिर। ये हमारे पुरुषोत्तम जी भाई साहब हैं, जो उप सरपंच साहब हैं। हेलो ये उतर रहे ये भाई आ रहा है भाया, ये डबल भाया स्क्वायर स्क्वायर है। हाँ ये हमारे सरपंच साहब के आगे आगे चलते थोड़े। हाँ ये बहुत ही देखो घमासान जंगल। ये मंदिर है इधर सामने से झरना गिर रहा है। ऊंचे ऊंचे पेड़ है बहुत। ताकेश्वर महादेव जी के यहाँ पे धर्मशाला टाइप बनी हुई है। ऊपर से झरना गिर रहा है बहुत। ये मंदिर है यहाँ पे। ये हमारे महेंद्र जी भाई साहब सामने से जा रहे हैं। ये इधर कुंड है, ये बहुत गहरा है। यहाँ से झरना गिरता है, बहुत ऊपर से झरना गिर रहा है। देखो बहुत ही शानदार लोकेशन है। ये बहुत ही गहरा कुंड है, इसका भी अभी तक पता नहीं चला है कि कितना गहरा है, अनुमान नहीं लगा पाए हैं कोई भी। यहाँ से झरना गिरता है। ये ताकेश्वर महादेव जो भानपुरा से 22 किलोमीटर दूर है।
पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है, गड्ढे में है, चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है, बहुत ही पहाड़ियाँ है। ये हमारे महेंद्र जी भाई साहब जो वीडियो बना रहे हैं, और ये हमारे जो है भैया जी, ये भैया जी क्या है कि पानी, ये देखो इनको पानी बहुत गर्म लगा है। ये देखो यहाँ पे बहुत पब्लिक आती है दर्शन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। वीडियो में बढ़िया बढ़िया आएंगे दिनेश जी सर। अभी एक गौमुख की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इनको इधर रास्ता नहीं मिल रहा है आगे जाने के लिए, इधर गौमुख है। अब यहाँ पे क्या थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आगे निकलने के लिए, हाँ पर निकल ही जाएगा रास्ता कहीं ना कहीं से। ये देखो गिरे होते अभी बाल बाल बचे, हाँ निकल गए हैं आगे। अब मैं भी निकल रहा हूँ, इसकी गहराई बहुत है, अभी तक पता नहीं लगा है कि कितनी गहराई है इस कुंड की। आ जाओ ना, ये कुछ लोग इधर भी हैं जो आ रहे हैं नहाने के लिए। खा रहे क्या? ये इधर क्या है, गौमुख में बहुत गर्म पानी आता है, इधर बहुत ठंडा पानी आता है। जिसको गर्म पानी में नहाना है इधर नहाए, और जिसको ठंडे पानी से नहाना है इधर नहाए। ये हमारे जो चंचल जी मां साहब है ये थोड़े डर रहे हैं उधर से आने में, एक वन भी हो रहे। ये सब निकल रहे हैं आराम आराम से। ये देखो सभी स्नान करने के लिए पहुंच गए हैं। ये सब लोग ठंड से इतने डरते हैं कि गर्म पानी में आए नहाने के लिए, ठंडे पानी में कोई नहीं आया है क्योंकि अभी सर्दी पड़ रही है। ये ओम जी है, इनको भी ठंड से डर लगता है। ये सरपंच साहब है, ये क्या है कि इधर रोमीटर वाला गीजर वाला पानी आ रहा है यहाँ पे बहुत ही गर्म, इसमें नहाने के लिए आए सब के सब। ये झरना इसमें कौन कौन के नहा सकते हैं। ये कुंड, इस कुंड की सबसे खासियत बात यह है कि इसके अभी तक गहराई का कोई पता नहीं लगा पाया है। बड़े बड़े शोधकर्ता पहुंच गए हैं यहाँ पे, लेकिन गहराई का पता नहीं लगा है अभी तक। यहाँ पे देखो ये गौमुख है, यहाँ से बहुत ही गर्म पानी आता है। नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ये हमारे महाराज हैं जो गर्म पानी से नहाते हैं। सूर्यदेवाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, नमो नमो नारायण नमो। यहाँ पे गीजर के राधे राधे राधे, यहाँ पे बहुत ही गर्म पानी आता है गीजर के जैसा। ना बागो आनंद, ये इधर जो सभी हैं नहाने के लिए। वीडियो
अभी हम गिरे हुए थे ये सभी तैरने जा रहे हैं कुंड में, बहुत ही गहरा कुंड है। हाँ ये ठंडा पानी है इस वजह से थोड़े चाह रहे हैं सबके सब। हाँ ये देखो जा रहे हैं सबके सब। वो हमारे महाराज थे जो गर्म पानी से ना के निकल गए, इधर ठंडे पानी की तरफ नहीं आए। ये सब तैर रहे हैं यशवंत जी भाई साहब के, कुछ नाराज हो रहे हैं इनके फोटो वोटो खींच रहे हैं जो। ये ओम जी क्या है कि इनको ठंड से बहुत डर लगता है, जिस वजह से ना नहीं रहे। मैंने इनको गर्म वाला भी बता दिया है सिस्टम, पर ये जा ही नहीं रहे, अब ये ठंडे से ही ना आएंगे शायद। इधर गर्म है, आगे जाओगे तो ठंडा मिलेगा। बहुत ही अद्भुत नजारा है देखने के लिए। अभी तक इस कुंड के घर आएगा कोई पता नहीं लगा पाया है। ये एमपी में बानपुर, बानपुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पे बहुत जंगल में बहुत ही कच्चा रास्ता आता है, गड्ढे भी आते हैं। ऊपर देखो पहाड़, पहाड़ देखो, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। ये इतने ऊपर से ये शैम्पू लगाते हुए सभी सदस्य बहुत ही अद्भुत तरीके से नहा रहे हैं। बहुत दिनों में नहाने का चांस मिला इनको। ये इधर शंकर भगवान भी है। इधर क्या है कि गीजर के जैसा बहुत ही गर्म पानी आता है, इस वजह से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। ये क्या लड़ लड़ के मर रहे हैं नहाने के लिए, गर्म पानी के लिए। बहुत ही गर्म पानी है ये जो है ना, ये हमारे यशवंत भाई साहब इनका है, अपन फोटो नहीं लेना, ये नाराज रहते पर मेरा तो फोटो ले रहे हैं। हाँ सभी अच्छे से ना लो, पूरा वीडियो आ रहा है। महादेव के मंदिर दर्शन करते हुए है भाग जा। ये मंदिर है
ये यहाँ पे हनुमान जी का स्थान है, तक्षेश्वर महाराज मंदिर, ताका जी, ये हमारे अध्यक्ष साहब पूजा कराने पहुंच गए हैं। यहाँ पे जो अभी आपको झरना बताया था वही साइड है, कूद रहा है। बहुत ही अद्भुत दृश्य, हमारे अध्यक्ष साहब बहुत ही शानदार तिलक निकाला है इनको। देखो इनका तिलक, देखो बहुत ही शानदार तिलक है ये। ये सभी मित्रगण हमारे खाने पे जुट गए हैं अब, इनको गए बहुत देर से भूख लग रही थी। ये पकाएंगे बंदर को। इधर देखो ये बंदर खाने नहीं देते हैं। ये इधर बैठ गए हैं। आओ ना लगा ली। ठीक है टंकी ले जाते हुए वापिस रवानगी। ये सीढ़ियां हैं तांकेश्वर महाराज की नीचे से ऊपर जाने के लिए, जहाँ पे हमारे गए अध्यक्ष साहब तक गए हैं, तो विश्राम कर रहे हैं विश्राम। कैमरा फोकस नहीं पकड़ पा रहा है। इससे वीडियो बनाई जाती है। ये तेंदुए के पत्ते के बारे में समझाएंगे हमारे गुरुजी आपको। सभी प्रकार का हरी जड़ी बूटी पता जो जड़ी का स्थान यहाँ पर है, और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों से परिपूर्ण ये स्थान। कुबेर महाराज भी यहाँ पे कुबेर महाराज भी है, जो माँ लक्ष्मी से भी नागो के राजा। मोबाइल ये क्या है कि हमारे थोड़ा ज्यादा लिया है, जो ये फैलने लगे भोजन, और किसी के चक्कर में मत समझना, ये भोजन ज्यादा ले लिया है महाराज ने, तो ये क्या फेल गए थोड़े से। और ये जल्दबाजी में जेंट्स की जगह लेडीज का बैग लेके आ गए, साथ में मंगलसूत्र भी लाए। ये भाई आ रहा है, भाई छोटा भाई, ये बड़ा भाई है,
और ये छोटा भाई है भाई आनो पोटू अपना जीवन का चम्मा का पोटू मारो उन्हें भेज दीजो बैठ बैठ ये वापस प्रस्थान कर रहे हैं घर की तरफ ये जड़ी बूटी लेके आ गए हैं हमारे मार साहब ओम जी यहाँ ले चलो ना ये जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं जड़ी बूटियां भी बहुत सी जड़ी बूटियां मिलती है यहाँ पे सभी प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती है अरे हमारे वेद सा रहे हैं वेद जी ओम जी वेद जी जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं ओम जी वेद जी है जो जड़ी बूटियां ढूंढते रहते हैं तक गए साहब ऊपर चढ़ते चढ़ते अब आ रहे हैं नीचे से इनके सबके सांस बढ़ चुकी है अब इनको क्या रेस्ट दिलाएंगे थोड़ी देर हमने तो मूले ज्यादा खा लिए मूले ज्यादा खा लिया